दोस्तों, एक सेठ 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। एक दिन सेठ राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। सेठ बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सेठ ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुँचे, बोले, महाराज, यह सेठ अत्याचार कर रहा, 5 की रोटी 30 में बेच रहा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गुस्ताख सेठ को मेरे दरबार में पेश करो। सेठ जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, तूने बिना मुझसे पूछे रोटी का दाम कैसे बढ़ा दिया। सेठ कुछ बोल पाता इससे पहले ही राजा ने सेठ को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आदेश सुनते ही पूरी जनता जोर जोर से बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दोस्तों, फिर क्या था, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी।